जॉन बिपाशा के ब्रेकअप की बातें अब लगने लगी है झूठी। ना सिर्फ ये दोनों लगातार झुठला रहे हैं इन खबरों को, बल्कि कई मौकों पर एक साथ भी नजर आए हैं। और ऐसे ही हुआ एक इंटरनेशनल ब्रांड की स्टोर ओपनिंग पर। जब हुई एक इंटरनेशनल ब्रांड की स्टोर ओपनिंग तो सभी की निगाहें थी सिर्फ जॉन और बिपाशा पर। दोनों ही लग रहे थे ब्लैक में स्टनिंग और इनकी एंट्री भी हमेशा की तरह रही शानदार। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इन दोनों के बीच में कोई दरार आई है और दोनों ही थे पार्टी के मूड में। साथ ही इस पार्टी में दिखी प्रीति जिंटा जो पहुंची करण जौहर के साथ और प्रीति भी ब्लैक गाउन में लग रही थी एकदम प्रीति। इतना ही नहीं पार्टी की बाकी गेस्ट लिस्ट भी जबरदस्त थी जिसमें राहुल बोस, सुजैन रोशन, फराह खान के साथ कई और पीसीआईज भी शामिल थे। सभी ने वार्म वेलकम किया इस इंटरनेशनल ब्रांड का। तो क्या इतना ही वार्म वेलकम मिलता है इंडियन ब्रांड्स को भी? ईस्ट और वेस्ट इंडियन ब्रांड्स आर डेफिनेटली द बेस्ट बिकॉज आई मीन they're Indian, we've grown up wearing them, but it's also a sign that इंडिया आज सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं रही है, ग्लोबल मार्केट हो चुकी है। हम इंडियन डिजाइनर्स के लिए हमेशा रहते हैं। इंटरनेशनली जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मैं इंडियन डिजाइनर्स के कपड़े पहनती हूँ, सो डेफिनेटली द फुटेज इज इक्वल। हम इसलिए आए क्योंकि हम बहुत देर से बाहर नहीं गए, सो आई कम टू एंजॉय। इनफैक्ट लुक एट अ नाइट आउट। जी जरूर मिलती है, हम सारे जगह पहुंच जाते हैं। फैशन वीक होता है, बहुत सारे डिजाइनर्स अपने कपड़े दिखाते हैं, हम वहीं भी जाते हैं। गुची ऑफ कोर्स इज बीइंग लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो वहां हम आए हैं फॉर द लॉन्च। ये मुझे नहीं पता कि अभी तक मिला है कि नहीं, लेकिन अगर एक इंडियन ब्रांड हो जिसपे मुझे नाज है मैं जरूर आ जाऊंगा। जॉन बिपाशा इस पार्टी में ज्यादा देर तक नहीं रहे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी कोजी नजर आ रहे थे। वहीं प्रीति जिंटा और करण जौहर भी इस पार्टी का काफी मजा ले रहे थे और लंबे समय तक इन्होंने पार्टी की। वेल, इंटरनेशनल ब्रांड का इंडिया में स्टोर खुलने पर इतने लोगों ने खुशियां मनाई, तो क्या पर्सनल लाइफ में ये सेलेब्स हैं ब्रांड कॉन्शियस? आई वेयर थिंग्स दैट आई लाइक। मुझे ये नहीं है कि मुझे ये ब्रांड पहनना है, मुझे ये ब्रांड। आई थिंक आई एम अ ब्रांड इन माय सेल्फ, सो आई रियली डोंट केयर व्हाट आई वेयर। अगर कोई इतना टैलेंटेड है, इतना नाम कमाया है दुनिया भर में, जिस ब्रांड की इतनी तारीफ है, यू डेफिनेटली हैव टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ देम। ज्यादातर खुद के कपड़े मैं पहनता हूँ, जॉन इब्राहिम जीन्स एंड माई ओन टी शर्ट्स, और टाइम लगता है सूट पहनने में। मैं कोई ब्रांड नहीं खरीदता जस्ट बिकॉज इट्स अ ब्रांड और बिकॉज इट्स सपोज टू बी हैपनिंग या इन है, फैशन बहुत फैशनेबल है। मैं खुद एक ब्रांड हूँ इंडिया का, छोटा सा ब्रांड, मगर आई थिंक ब्रांड होना इतना जरूरी है, बट यू शुडंट बी ब्रांड कॉन्शियस। मैं एक ही ब्रांड का इस्तेमाल करता हूँ, मैं बहुत ब्रांड कॉन्शियस हूँ, और वो ब्रांड है नरेंद्र कुमार। आई एम नॉट वेरी फसी अबाउट ब्रांडेड, बहुत ही जो भी मुझे पसंद होता है वो, कभी कभी 50 रुपए की टी शर्ट उठा लेता हूँ सड़क के ऊपर से, वो जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करती है वो पहनता हूँ। बॉलीवुड के कई सेलेब्स हैं इंटरनेशनली पॉपुलर, तो हमने जानने की कोशिश की इन सेलेब्स से कि कौन सा बॉलीवुड एक्टर का स्टाइल है इंटरनेशनल। करण ड्रेस इज वेरी वेल, ही इज वेरी स्टाइलिश। शाहरुख इज वेरी स्टाइलिश। अर्जुन रामपाल इज वेरी स्टाइलिश। सुष्मिता इज वेरी स्टाइलिश। आई लाइक द वे ऋतिक रोशन लुक्स, ही कुड बी स्टाइल्ड वेरी इंटरनेशनली, ही इज गॉट अ गुड बॉडी। डेफिनेटली जॉन। In for women, I think the new generation, new lot of girls, Aishwarya can be really styled very well. I think she looks very international. Shah Rukh, Amitabh Bachchan, I think they are real brand ambassadors. Yeah. बच्चन साहब और शाहरुख दोनों जो हैं बहुत ही स्टाइलिश हैं, बहुत कुछ भी पहने अच्छे लगते हैं। दे हैव ग्रेट कैरिज एंड आई थिंक द गर्ल्स, आई थिंक प्रीति हैज ट्रेमेंडस कैरिज। जॉन इब्राहिम एंड बिपाशा बासु, मिस्टर बच्चन, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ, जॉन, अभिषेक। प्रीति इज अ वेरी स्टाइलिश गाय। ऋतिक रोशन फॉर श्योर। बिपाशा बासु, एट द मोमेंट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अभिषेक बच्चन। ऋतिक रोशन। इस पार्टी में जहां जॉन बिपाशा लगातार रहे एक दूसरे के साथ, तो वहीं प्रीति जिंटा आई नेस वाडिया के बगैर, लेकिन उनको मिला करण का लगातार साथ। मेघना जोशी, जूम, मुंबई।